ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो बच्चों ट्रांसफॉर्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके घरों में 220 वोल्ट की एसी सप्लाई आती है, ठीक है, और मान लो आप जो है वो एयर कंडीशनर चलाना चाहते हैं, तो उसको चलने के लिए कितना चाहिए? 230 वोल्ट। ठीक है, तो आप कैसे बढ़ा सकते हैं वोल्टेज को? ट्रांसफॉर्मर के थ्रू। ठीक है, तो आप इसमें एक ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं बच्चों स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर, जो वोल्टेज को इंक्रीज करता है। ये क्या करेगा? वोल्टेज को इंक्रीज करेगा। ठीक है, और जो बच्चों दूसरा आपके पास है ट्रांसफॉर्मर, वो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ये क्या करेगा बच्चों? वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो जैसे आपके मोबाइल चार्जर में आपके फोन को 10 से 12 वोल्ट चाहिए चार्ज करने के लिए, लेकिन आपके घरों में 220 वोल्ट आ रही है, तो जो आपका अडेप्टर होता है चार्जिंग अडेप्टर, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मर जो है वो वोल्टेज को डिक्रीज कर देता है। ठीक है, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ अब हम इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो बच्चों आपके पास एक कॉइल होती है, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये आपके पास ट्रांसफॉर्मर कॉइल है, आयरन की बारीक बारीक पत्तियां होती हैं। ठीक है, इसको हम अभी कंप्लीटली पढ़ेंगे। ये आपकी प्राइमरी कॉइल है, बड़े सारे कॉपर्स के टर्न्स हैं, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। ठीक है, और एक दूसरी कॉइल है यहाँ पर जिसको हम बोलते हैं बच्चों सेकेंडरी कॉइल, इसको नाम दे देते हैं S1 S2, और ये आपकी प्राइमरी कॉइल होगी P1 P2। तो यहाँ पे बच्चों आप एसी की सप्लाई देंगे। ठीक है, और ये जो है बच्चों किस पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है बच्चों? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, बहुत आसान है, ध्यान से देखो। अगर हम प्राइमरी कॉइल में करंट दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये करंट की वैल्यू कभी इंक्रीज हो रही है, कभी डिक्रीज हो रही है। तो जब करंट चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज की वजह से सेकेंडरी कॉइल में बच्चों ईएमएफ जनरेट होगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। हम क्या मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं प्राइमरी कॉइल में, नंबर ऑफ टर्न्स है N1 या NP लिख लेते हैं, और सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है NS। क्लियर? हमें अच्छे से पता है कि जो फैराडे का सेकेंड लॉ था वो क्या कहता है, ये मैं रब कर रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, फैराडे का लॉ था हमारे पास E इज इक्वल टू d∅ dt। ठीक है, सो दैट वाज योर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, और यहाँ माइनस का साइन आता था। अब मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका। क्लियर? तो अब आपके पास एक फ्लक्स में जो एक जो टर्न है आपका, उसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा टोटल बच्चों? ये होगा एन टर्न से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मान लो प्राइमरी कॉइल में ईएमएफ जो आपके पास वो आएगा दिस। ठीक है, सो दिस इज योर ईएमएफ जनरेटेड इन प्राइमरी कॉइल जो आपने अप्लाई किया है। ठीक है, और जबकि फ्लक्स का कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है, अगर फ्लक्स का लॉस नहीं हो रहा तो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ है वो क्या होगा आपके पास? सेकेंडरी कॉइल में बच्चों आपके पास आ जाएगा ईएमएफ का फॉर्मूला ES और NS। ठीक है, तो अब आपके पास d∅ dt की क्या वैल्यू आ जाएगी? दो वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, एक आ गई बच्चों d∅ dt की वैल्यू, आ गई आपके पास EP/NP। ठीक है, और एक आ गई बच्चों d∅ dt की वैल्यू आपके पास ES/NS। ठीक है, जबकि ये प्राइमरी कॉइल का फ्लक्स है और ये किसका है? सेकेंडरी कॉइल का। अब आप अच्छे से जानते हैं फ्लक्स का लॉस नहीं हो रहा है, जितना फ्लक्स प्राइमरी में चेंज हो रहा है उतना ही फ्लक्स कहाँ चेंज हो रहा है? सेकेंडरी में। ठीक है, तो इसलिए दोनों का जो फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज है पर टर्न के हिसाब से वो सेम आएगा। ठीक है, तो जब अगर सेम आएगा तो दोनों वैल्यू सेम हो जाएंगी। क्लियर?
तो दोनों वैल्यूज को सेम रख देते हैं हम, तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा बच्चों ES अपॉन NS इज इक्वल टू EP अपॉन NP। ठीक है, मैं यहां से ES की वैल्यू निकाल लेता हूं, ये आएगा आपके पास NS बाय NP इंटू EP। ओके, तो बच्चों ये आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। ठीक है, जिसमें जो NS है वो आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल, NP क्या है नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल, और EMF क्या है आपके पास, ये EP EMF अप्लाइड टू प्राइमरी कॉइल। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने प्राइमरी कॉइल में जो वोल्टेज दी है वो दी है बच्चों 50 वोल्ट। ठीक है, और आपके नंबर ऑफ टर्न्स है प्राइमरी कॉइल में 100 और सेकेंडरी में टर्न्स हमने आपने लगा दिए कितने, 200। ठीक है, तो आप ES की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो ES की वैल्यू निकालते हम लोग, क्या फॉर्मूला हमारे पास, ये है बच्चों NS बाय NP इंटू EP। ठीक है, तो ES इक्वल टू NS कितने बच्चों आपके पास, 200, NP कितने, 100 इंटू 50, तो ये आ जाएगा बच्चों 2 यानी 100 वोल्ट। तो बच्चों इसका साफ सा मतलब है कि आपने प्राइमरी कॉइल में 50 वोल्ट की सप्लाई दी है, ठीक है, लेकिन आपको आउटपुट में कितनी मिल रही है, 100 वोल्ट। तो ये कौन सा ट्रांसफॉर्मर हुआ, स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, सो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर मैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर बनाना चाहूं तो मैं सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दूंगा। ठीक है, मान लो मैं जो है टर्न को कितना कर देता हूं, 50 टर्न्स कर देता हूं मैं, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास, सॉरी सेकेंडरी में, हाँ सेकेंडरी में 50 होंगे बच्चों, तो यहाँ पे 200 की जगह बच्चों क्या आ जाएगा आपके पास, 50। क्लियर, सो ये आपके पास आंसर आएगा, इसको हम पुट करते हैं, NS है बच्चों आपके पास 50, NP है बच्चों 100 इंटू EP है 50। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास बच्चों 25 वोल्ट। ओके, सो इट इज इजी हियर टू अंडरस्टैंड। तो इसको बोलेंगे बच्चों हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो बड़ा सा आंसर कंसेप्ट है, अगर प्राइमरी कॉइल में टर्न्स ज्यादा होंगे तो उसको, और सेकेंडरी में कम होंगे तो स्टेप अप स्टेप डाउन बन जाएगा। ठीक है, और अगर उल्टा होगा यानी कि सेकेंडरी में ज्यादा होंगे और प्राइमरी में कम होंगे तो हमारे पास बनेगा बच्चों स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो इट इज दिस इज योर दैट वाज योर टॉपिक, क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन है आपके पास कि हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर की कॉइल होती है, यानी ये जो हमने बॉडी बनाई थी, हमने ये जो अंदर की कॉइल बनाई थी, ये आयरन की क्यों होती है, क्योंकि तो बच्चों जो आयरन है ना आपका, वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, उसकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स बढ़ेगा तो बच्चों क्या जनरेट होगा, EMF ज्यादा जनरेट होगा। क्लियर, इसलिए हम लोग इसकी यूज करते हैं, ट्रांसफॉर्मर में आयरन की कोर यूज करते हैं ताकि हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा आए। ठीक है, सो दैट वाज योर कंप्लीट टॉपिक। ओके, अब बच्चों आपके पास ना एक और टॉपिक है इससे रिलेटेड, वो है लोजिस, कि ट्रांसफॉर्मर जब कन्वर्ट करता है हाई वोल्टेज को लो में या लो को हाई में, उसमें बड़े सारे लॉसेस होते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका ट्रांसफॉर्मर, मतलब जो हमें लॉसेस होता है एनर्जी का वो क्यों होता है। सबसे पहला है रीजन, जिसको हम बोलते हैं बच्चों हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस लॉस, सॉरी।
ओके तो बच्चों हिस्टेरिसिस लॉस का मतलब क्या होता है कि जो करंट की डायरेक्शन है ना उसके अंदर, आपको पता है एसी करंट फ्लो कर रहा है, तो एसी की करंट पहले ज्यादा होती है वैल्यू, फिर कम होती है, फिर साइकिल चेंज होती है, तो उसमें बार बार मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होने की वजह से जो लॉस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टेरिसिस लॉस। क्लियर? सो ये था बच्चों आपका फर्स्ट लॉस विच इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस। उसके बाद है बच्चों कॉपर लॉस। अभी कॉपर लॉस का मतलब क्या होता है कि जो कॉपर वायर है वो गर्म हो जाती है बार बार, ठीक है, गर्म होने की वजह से करंट की जो स्ट्रेंथ वैल्यू है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉपर लॉस। तो हीटिंग के कारण जो लॉस होता है दैट इज कॉल्ड कॉपर लॉस, ठीक है। और आपको अच्छे से पता है स्पार्किंग भी होती है, ठीक है ना। और एक और लॉस है वो है हमिंग नॉइज। आपने कभी देखा भी होगा कि जो ट्रांसफॉर्मर के आसपास एक मतलब जैसे बर्ड के जो विंग्स वाइब्रेट करते हैं, हमिंग नॉइज आती है एक तरह की, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड हमिंग नॉइज। ऐसा बच्चों इसलिए होता है जब वोल्टेज अचानक से स्विच होती है ना तो इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से कौन सी नॉइज आती है, हमिंग नॉइज। क्लियर? तो ये था बच्चों आपका ट्रांसफॉर्मर का टॉपिक, जिसमें हमने क्या पढ़े, ट्रांसफॉर्मर के लॉसेस पढ़े, ठीक है। अभी आप मुझे क्वेश्चन करके दिखाएं, क्वेश्चन है आपके पास। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन। आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है, उसके प्राइमरी में आपने 100 वोल्ट अप्लाई किया और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स है 100 वोल्ट, 100 टर्न्स या फिर कह लो 20 टर्न्स है, ठीक है। मैं सेकेंडरी में जो है वोल्टेज कितनी चाहता हूँ, 50 वोल्ट चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो मैं सेकेंडरी में टर्न्स कितने दूँ, फाइंड दिस आंसर। स्क्रीन पॉज करें और क्वेश्चन सॉल्व करें। एनी वन ऑफ यू कैन गिव आंसर। बच्चों 40 नहीं आएगा, 20 टर्न्स आएगा। आपको हाफ हाफ वोल्टेज चाहिए तो नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको हाफ करने पड़ेंगे, 10 आएगा इसका आंसर आपका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब है बच्चों आपके पास नेक्स्ट वन। अब हम पढ़ते हैं पावर वाला कंसेप्ट पढ़ते हैं इसमें लोग, ठीक है, कि पावर बेसिकली आपको अच्छे से पता है पावर का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर या फिर वी आई, ठीक है। और एसी में हम वोल्टेज की जगह क्या लिखते हैं, ईएमएफ। तो ये पावर का फॉर्मूला बन गया आपके पास ई आई, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये आपका रेजिस्टेंस है, ठीक है, और आपने इसके साथ कौन सी सप्लाई दे रखी है, एसी सप्लाई, ठीक है। ये है बच्चों आर, प्राइमरी रेजिस्टेंस, ठीक है। और ये जो बाहर की तरफ लगा हुआ है जिसको हम बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस, आरएल, ठीक है। तो अब बताते हैं पावर, इनिशियल इनपुट पावर क्या होगी बच्चों आपके पास। इनपुट पावर हो जाएगी आपके पास इनपुट रेजिस्टेंस इनटू इनपुट वोल्टेज, ये आ गया बच्चों आपके पास इनपुट पावर आ गई ई पी इनटू आर पी,
ठीक है, और आउटपुट पावर आ जाएगी बच्चों आपके पास ई एस डिवाइड बाय, सॉरी बच्चों यहाँ पे आई आएगा, आई पी, ठीक है, तो ये आ जाएगा ई एस बाय, ये आपके पास आप इसका रेशियो भी निकाल सकते हो, ठीक है, और आपको अच्छे से पता है जो करंट का रेशियो होगा वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब आई पी का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, ई पी बाय आर पी, ठीक है, और आई एस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों आपके पास, ई एस बाय आर एस, ठीक है, तो आप इसको पुट करें यहां पर, ये आएगा आपके पास